हेलो डेवलपर, दिस इज अर्जुन वर्मा, योर टेक्निकल फ्रेंड। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि हमने जो ये टू डू ऐप बनाई थी एक, आपको पता होगा इसकी इसके अंदर अगर हम कुछ भी ऐड ऑन करते थे, हम इसमें एडिट भी कर पा रहे थे, उसको डिलीट भी कर पा रहे थे। बट यहाँ पर हमारे पास एक इशू पेंडिंग रह गया था कि अगर हम इसको रिफ्रेश करते थे तो हमारी ये क्लीन हो जाती थी, उड़ जाता था सारा डेटा हमारा। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, अब लोकल स्टोरेज का यूज़ करेंगे। लोकल स्टोरेज में बेसिकली क्या होगा कि हमारा जो भी डेटा सेव होगा वो सारा डेटा हमारा लोकल स्टोरेज में सेव होगा। फिर आप अगर इसको रिफ्रेश भी करोगे तब भी आपका डेटा एज इट इज़ वही रहेगा। तो उसी चीज़ को आज हम देखते हैं। तो गाइस चलिए, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास ये कोड था, इसका आपको पता होगा कि हमने एक ऐड टू डू का फंक्शन बनाया था, ठीक है जी। एक ही हमने अपडेट करने के लिए स्टार्टिंग में इंडेक्स को एडिट जब क्लिक हुआ, इंडेक्स को चेक किया, देन हमने उसको एडिट किया, फिर हमने उसको डिलीट किया। ये उसका हमारा कोड है, ठीक है जी। मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है गाइज। अब यहाँ पर अगर हम सबसे पहली चीज़ देखें, हमें क्या करना है, हमारा जो भी डेटा सेव होता है उस डेटा सेव को हमने लोकल स्टोरेज में सेव करवाना है। तो उसके लिए बेसिकली हमें आपको पता ही होगा कि हम लोकल स्टोरेज का एक यूज़ करते हैं जिसमें हम सिंपली एक लोकल स्टोरेज में डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज़ हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी। हम यहाँ पर लिखेंगे लेट अपडेट टू डू इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। सेट आइटम बेसिकली क्या होता है कि जब आप लोकल स्टोर में कोई भी डेटा सेट करते हो तो आपको इसके अंदर दो चीज़ें पास करनी होती है, एक की एंड देन एक वैल्यू। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट नाम से हमारी एक की बनेगी वहाँ पर, और उस की के अंदर बेसिकली हमें क्या डेटा सेव करना होगा, जो भी डेटा हमारे यहाँ पर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हमारी वैल्यू को पास कर देंगे, जो भी हमारी वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले हमें चीज करनी है, हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे लेट डाटा, ठीक है जी। डाटा नाम से हमने एक फील्ड बनाई, इस डाटा फील्ड के अंदर बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो एरे के अंदर अपडेट हो रहा था ना डेटा, इस चीज़ को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो भी डेटा आया है वो हमारा अपडेट होकर यहाँ पर हमें मिलेगा। इसी डेटा को हमें कहाँ पास करना है, अब इस डेटा को हम डायरेक्टली पास कर देंगे हमारे इसके अंदर। तो ये डेटा तो अपडेट हो गया हमारा। अब जो ये हमने टू डू ऐप बनाया है, इस टू डू ऐप को बेसिकली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई बेसिकली क्या करता है, आपके डेटा को, ऑब्जेक्ट को, एरे को एज ए स्ट्रिंग बना देता है। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लोकल स्टोरेज में जब भी डेटा सेव होता है वो एज ए स्ट्रिंग सेव होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट एरे कुछ नहीं सेव होता। तो हम यहाँ पर अब क्या कर देंगे, हम सिंपली यहाँ पर डेटा लिख देंगे, ठीक है। और अगर हम देखें हमारे पास इस टू डू अपडेट टू डू का कोई यूज़ नहीं हो रहा, हम क्या करते हैं, एक काम करता हूँ मैं इसको कंट्रोल एक्स करके मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ ताकि हमें क्लियर रहे। कॉपी किया, इसको यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, देन यहाँ पेस्ट करते हैं हम इसको, और ये जो है हम इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। यहाँ पर हमारा सिंपली क्या कर देगा, सेट कर देगा। अब गाइज हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये सेव हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डेटा को अपडेट किया, जो डेटा अपडेट हुआ हमने उस डेटा को इस की के साथ हमने जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके सेव करवाया, देन हमने उसको अपडेट कर दिया। अब अगर हम यहाँ पर जाकर देखें, सबसे पहली चीज़ अगर हम यहाँ पर लिखते हैं टेस्ट, हमने टेस्ट लिखकर इसको सेव किया। सेव करने के बाद गाइज आपको कहाँ पर दिखता है आपका लोकल स्टोरेज, सिंपली आपने यहाँ पर एप्लीकेशन में जाना है। एप्लीकेशन में जाकर यहाँ पर लोकल स्टोरेज में लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आप क्लिक करोगे लोकल स्टोरेज पे, तो आपके सामने क्या होगा, एक टू डू लिस्ट आ जाएगी। ये गाइज देखिए, आपके सामने यहाँ पर टू डू लिस्ट आ गई है, इसमें हमारे पास टेस्ट आ गया। अब अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ अर्जुन, देन इसको सेव करता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा एक और ऐड हो गया। अब इस तरह से मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ ना, डॉग लिख दिया मैंने यहाँ पर, देन ये भी हमारा ऐड हो गया। मतलब इस तरह से आप यहाँ पे सिंपली ऐड कर सकते हो। बट अगर अभी हम देखें, मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ तो अभी डेटा हमारा उड़ गया। वो डेटा उड़ा क्यों है हमारा, क्योंकि अभी तक हमने इस डेटा को गेट करके सेट ही नहीं किया, इसलिए उड़ा है। बट हमारा सेव होने का काम तो हो गया है यहाँ पे, ठीक है। इसको अब हमें ठीक करने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि आपको पता है कि हमने यहाँ पर सेट आइटम के अंदर टू डू लिस्ट की है, तो अब हमें इसको गेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो ब्लैंक आ रहे हैं हम यहाँ करेंगे, यू स्टेट में जाएंगे, यू स्टेट में हम लिखेंगे लोकल स्टोरेज। या एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं गेट डेटा। गेट डेटा लिख के हम लिखते हैं लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। गेट आइटम के अंदर बेसिकली आपको क्या करना होता है, एक सिंगल की पास करनी होती है। की क्या होती है, जो भी आपने यहाँ पर की रखी है। अब हमने यहाँ पर टू डू लिस्ट डाल दिया, अब इससे क्या होगा कि टू डू लिस्ट हमारी सेव हो गई है। गेट डेटा डाला, गेट डेटा अगर आपके पास है तो आप क्या करो, सिंपली जेसन डॉट
पार्स करो, क्या करो, गेट डेटा को, गेट डेटा हमें दिखा दो। जेसन डॉट पार्स बेसिकली क्या करता है, जो भी आपका स्ट्रिंग होता है उस स्ट्रिंग को एरे या ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है दोबारा फिर से। जैसे स्ट्रिंगिफाई हमारा स्ट्रिंग में करता है, ये हमारा कर देता है उसमें। और अब यहाँ पर अदरवाइज हम कहते हैं इसको एरे दे दो। अब अगर हम गाइज यहाँ पर देखें, रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास यहाँ पर डेटा आ गया है। अब अगर मैं इसको डिलीट करूँ, डिलीट करने पर हमारा यहाँ से नहीं डिलीट हुआ लोकल स्टोरेज से, क्योंकि हमने लोकल स्टोरेज को अपडेट ही नहीं किया है डिलीट के टाइम पे या एडिट के टाइम पे। अगर मैं इस टेस्ट को एडिट करके टेस्ट कर दूँ यहाँ पर, तो अपडेट हो गया हमारा, बट यहाँ पर नहीं अपडेट हुआ, क्योंकि अपडेट के फंक्शन में भी हमें लोकल स्टोरेज को यूज़ करना होगा। बट जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, जो हमारा लोकल स्टोरेज में डेटा है, अगेन वही डाटा हमारे पास वापस आ जाएगा। तो हमने सिंपली अब कुछ नहीं करना गाइस, हमारा यहाँ पर सारा काम कंप्लीट हो चुका है। हमने क्या करना है, सिंपली इसको उठाना है यहाँ से लोकल स्टोरेज को। आपको पता है जब भी हम यहाँ पे अपने डेटा को सेव कर रहे हैं, तो हमारा टू डू अपडेट टू डू में डेटा सेव हो रहा था, तो हम यहाँ पर एंटर करके यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली अपडेट टू डू को यहाँ पर डाल देंगे। हम कहते हैं कि यहाँ पर अगेन आप इसको अपडेट कर दो। अब अगर अपडेट के बारे में हम देखें, तो जैसे ये टेस्ट है, अब मैं इस टेस्ट को क्लिक करके टेस्ट कोडिंग लिख के अगर मैं सेव करता हूँ, तो गाइज आप देखोगे कि टेस्ट कोडिंग हमारे पास यहाँ पर नीचे आप चेक करोगे तो यहाँ पर भी हमारे पास आ गया है टेस्ट कोडिंग, ठीक है, आपको दिख रहा हो यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ अपडेट होनी शुरू हो गई। अर्जुन को एडिट करके अर्जुन के साथ मैं यहाँ पर वर्मा लिख देता हूँ, देन सेव करता हूँ, तो अर्जुन वर्मा हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है जी। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो हमारा ये डेटा नहीं उड़ेगा, तो ये हमारा डेटा नहीं उड़ रहा, ठीक है ना। बट अभी अगर हम इसको डिलीट कर रहे हैं, तो डिलीट के टाइम पे हमारा यहाँ से डिलीट नहीं हो रहा, बट ये अपडेट हो रहा है। सेव करने के बाद सेव वाला जो भी डेटा है वो रहेगा। अब डिलीट के लिए भी हमें सिंपली कुछ नहीं करना, हम इसको कॉपी करेंगे अगेन फिर से। कॉपी करने के बाद आपको पता है आपका डेटा अपडेट होकर कहाँ आ रहा है, डिलीट टू डू के अंदर। आप सिंपली इसको भी यहाँ पर लिख दोगे। इतना छोटा छोटा काम आपने किया और आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका प्रोजेक्ट पूरा रेडी हो गया लोकल स्टोरी के साथ। अब सिंपली आप अगर यहाँ से इसको डिलीट करते हो, तो आप देखोगे कि नीचे से भी आपका एक एरे से डिलीट हो गया। अब अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे, तो कुछ भी नहीं होगा, आपका डेटा एज इट इज सेम रहेगा, चाहे जितनी मर्जी बार आप इसको वो कर लो। अगर आप इसको एक न्यू टैब में भी ओपन करोगे, न्यू टैब में ओपन करने के बाद भी आपका डेटा सेम एज इट इज वही रहेगा जो आपने डेटा सेव किया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी करता रहूँ, कोड लिख दिया मैंने यहाँ पर, कोड ऐड हो गया, फिर अगेन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गेट डाटा हो गया हमारा, APIs लिख दिया हमने यहाँ पर, APIs हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी एड ऑन होती जा रही हैं यहाँ पर। सिंपली आप इनको डिलीट करो, तो आपकी डिलीट हो जाएंगी, रिफ्रेश करने पर उड़ेंगी नहीं। सो गाइस इस तरह से आप अपने लोकल स्टोरेज को यूज़ करके अपने किसी भी डेटा को एक लोकल स्टोरेज में सेट कर सकते हो, और वहाँ से उसको गेट करके अपने वेब पेज पर दिखा सकते हो। सो गाइस आई होप आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।